Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel, and today we will discuss about plant kingdom. This is the third chapter of NCERT. हमने पिछले वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन लिया था प्लांट किंगडम के कि प्लांट किंगडम में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे. एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे. ठीक है, तो एल्गी के बारे में हमने पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया था कि एल्गी कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज हमने पढ़ी थी. ठीक है, लेकिन तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी बिलोंग्स टू क्लासेस, जो मतलब क्लासेस के बेस पे कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया गया है. तो थ्री टाइप में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी. ठीक है, तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं, जिसमें कि अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो वो सारी चीज वो इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यूनिसेलुलर की, कि अगर यूनिसेलुलर के बेस पे कौन कौन सी एल्गी होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं यूनिसेलुलर एल्गी के, वो सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, तो यूनिसेलुलर जो होता है वो दो टाइप में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, मोटाइल और नॉन मोटाइल. मोटाइल का मतलब क्या होगा, अगर उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो मोटाइल होंगे. ठीक है, उनका एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास. ठीक है, अगर हम नॉन मोटाइल की बात करें तो उसमें फ्लैजेला क्या है, एब्सेंट होंगे. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या होगा, क्लोरेला और एसिटा बुलेरिया. ठीक है, क्या होगा, क्लोरेला और एसिटा बुलेरिया, जिनमें कि फ्लैजेला क्या होगा, एब्सेंट होगा. ठीक है, इसीलिए तो वो नॉन मोटाइल है. ठीक है, फिर हम कॉलोनियल के बेस पे बात करें कि कॉलोनियल वाली जो एल्गी होती है, जो कॉलोनी के फॉर्म में रहती है, तो कॉलोनियल एल्गी जो होती है वो भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, मोटाइल कॉलोनी और नॉन मोटाइल कॉलोनी. ठीक है, मोटाइल क्यों होंगे, क्योंकि उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो वॉल्वॉक्स जो होता है वो कैसा होता है, कॉलोनी का स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसलिए क्या है, वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल है किसका, कॉलोनियल का. ठीक है, कॉलोनियल एल्गी का. ओके, नॉन मोटाइल कॉलोनी की बात करें तो हाइड्रोडिक्टियन एंड स्किनीडेमस. ठीक है, स्किनीडेमस जो होता है वो क्या है, नॉन मोटाइल एल्गी है. ठीक है, नॉन मोटाइल कॉलोनी एल्गी है. ठीक है, फिर हम फिलामेंटस की बात करें कि फिलामेंटस के बेस पे एल्गी जो होती है उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो अनब्रांच्ड होती है और ब्रांच्ड होती है. कई सारी जो एल्गी होती है वो ब्रांच्ड एल्गी होती है, और कई सारी एल्गी जो है वो अनब्रांच्ड एल्गी होती है. ठीक है, तो फिलामेंटस की अगर बात करें तो अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी जो होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स जो है वो अनब्रांच्ड एल्गी है. ठीक है, जबकि ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी की बात करें तो वो कौन से है, क्लैडोफोरा ब्रांच फिलामेंटस एल्गी है. ठीक है, क्लैडोफोरा जो है वो कैसी है, ब्रांच्ड एल्गी है. ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सारे जो रिप्रोडक्शन है वो एल्गी में होते हैं. ठीक है, फिर देखते हैं अब इनको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि एसेक्सुअल वेजिटेटिव कैसे होता है, एसेक्सुअल कैसे होता है, सेक्सुअल कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, इट इज बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईच फ्रेगमेंट एक्ट लाइक अ सेपरेट एल्गी. इसमें क्या होता है, जब भी कोई एल्गी हो गया या फिर और भी चीजें, प्लांट हो गया, प्लांट का कोई भी जो मेन बॉडी है उससे अगर मतलब ब्रेक हो जाए और सोयल में गिर जाता है, तो क्या हो जाता है, उससे न्यू एल्गी का फॉर्मेशन हो जाए या फिर न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन हो जाए, तो क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे. ठीक है, तो ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है. ठीक है, फिर एसेक्सुअल के बारे में बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. इसमें क्या होता है, स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, जूस्पोर है, दूसरा कौन सा है, मोनोस्पोर. ठीक है, जूस्पोर में क्या होता है, दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर. इससे रिलेटेड जो भी स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं. फ्लैजिलेटेड होने के कारण कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं. ठीक है, मतलब कि वो अपने वन प्लेस से अनदर प्लेस में जा पाएंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला. ठीक है, फिर देखिए मोनोस्पोर की बात करें, विच आर कैपेबल टू गिव राइज न्यू प्लांट एल्गी. ये क्या होता है, मोनोस्पोर क्या होता है, मतलब कि वो एक ही स्पोर क्रिएट कर पाते हैं और मतलब इससे न्यू प्लांट या फिर न्यू एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, फिर देखिए अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कई टाइप में होता है, थ्री टाइप में होता है. तो इट टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ये इसकी मेन डेफिनेशन, जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. ठीक है, फिर देखिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो थ्री टाइप का होता है, कौन कौन सा, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस,
एंड उगैमस, ठीक है। अब इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेशन से। तो आइसोगैमस की बात करें तो सिमिलर गैमेट कैन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज इज कॉल्ड आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों है, दोनों का साइज क्या है, सेम है, ठीक है। ओके, ये अगर सर्कुलर है ये भी सर्कुलर है उतना ही, ठीक है। तो क्या है, ये एक सिमिलर साइज है ना, अगर सिमिलर साइज है और फ्लैजिलेटेड है, तो अगर फ्लैजिलेटेड गैमेट है और सिमिलर साइज है, तो इस टाइप के गैमेट को क्या बोलते हैं, आइसोगैमस, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइसोगैमस, ठीक है। तो अब आइसोगैमस के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है जीन एलगी में, उनका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो क्लैमाइडोमोनास जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर साइज होते हैं। लेकिन हम नॉन फ्लैजिलेटेड की बात करें तो स्पाइरोगायरो जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, आइसोगैमस का, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस का एग्जांपल जो है वो स्पाइरोगायरो है, ठीक है। इसका सिमिलर साइज तो सिमिलर होता है, लेकिन कैसे होते हैं ये, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं एनाइसोगैमस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है एनाइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट व्हिच इज अ डिसिमिलर इन साइज सम स्पीशीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास। तो क्लैमाइडोमोनास जो होता है उसमें एनाइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन भी होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो मतलब साइज के बेस पर अगर गैमेट की बात करें तो कैसा होता है, अगर किसी मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का डिसिमिलर साइज होता है, तो इस टाइप के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। क्या है, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओगैमस की। तो ओगैमस क्या है, द फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड गैमेट एंड वन स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज अ वॉल बॉक्स एंड फ्यूकस। ओगैमस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मेल का जो मतलब मेल गैमेट जो है वो क्या है, लार्ज है, ठीक है। क्या है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल है उसका वो स्मॉल साइज है और कैसा है, मोटाइल है, ठीक है। तो वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में जा सकता है मेल गैमेट, लेकिन फीमेल गैमेट जो है वो क्या है, लार्ज होने के कारण क्या है, वो नहीं जा सकता, ठीक है, नॉन मोटाइल होता है। इसलिए तो इस टाइप का क्या है, इनका डिसिमिलर साइज है इनका गैमेट का, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला गया है, ओगैमस बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है, ओगैमस बोला गया है। एग्जाम्पल क्या है, वॉलबॉक्स और फ्यूकस। तो वॉलबॉक्स और फ्यूकस जो है किसके एग्जाम्पल है, ओगैमस के, ठीक है। तो ये आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस जो है किसके एग्जाम्पल है, किसके पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर देखते हैं हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि जो एल्गी होते हैं उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्या है, फूड। तो फूड के फॉर्म में एल्गी लिया जाता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी आर यूज एज अ फूड। 70% जो भी स्पीसीज है एल्गी की वो क्या है, फूड के फॉर्म में ली जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो पोरफायरा लेमिनेरिया एंड सरगासम, ठीक है। पोरफायरा लेमिनेरिया सरगासम जो है वो फूड के फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए फूड सप्लीमेंट, क्लोरेला जो है वो ग्रीन एल्गी है, स्पायरुला इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, आर रिच इन प्रोटीन। जब प्रोटीन की बात करेंगे कि अगर हमें प्रोटीन ज्यादा लेना है तो हम इन एल्गी का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लोरेला कैसा है, ग्रीन एल्गी है, जबकि स्पायरुला जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो ये इनमें क्या होता है, प्रोटीन का कॉन्टेंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इनको फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे कैन यूज एज अ फूड सप्लीमेंट बाई स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो ऐसे नॉर्मल फूड तो ले नहीं जा सकते, तो क्या है, ये ऐसी चीज लेते हैं जो कि मतलब अगर उनका साइज या वेट की बात करें तो वो बहुत ही कम हो, और प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट की बात करें तो सप्लीमेंट का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो इसको मतलब ये जो एग्जाम्पल मैंने बताई, इनको स्पेस ट्रैवलर्स जो है फूड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए फोटोसिंथेटिक वाली मतलब फोटोसिंथेसिस रिलेटेड जो एल्गी है उनके बारे में देखते हैं। तो 50% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ वर्ल्ड इज कैरीड आउट बाय एल्गी। जो एल्गी होते हैं वो 50% मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, किसके हद से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट व्हिच इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ एक्वाटिक लाइफ। इन्हीं के थ्रू, एल्गी के थ्रू ही जो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो
ओके ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन कर पाते हैं. ओके फिर देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर, फोर्थ पॉइंट क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर. तो एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन अ लार्ज बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर. जो एल्गी होते हैं सबसे पहले क्या है, एक प्लांट के अंडर में आ रहे हैं ना, क्या है प्लांट में आ रहे हैं. ठीक है, तो एल्गी क्या है, एक प्लांट है. ठीक है, तो प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फूड अपना सेल्फ बना रहे हैं, दैट मीन्स ऑटोट्रॉप्स हैं. तो क्या है, ये जो है एक प्राइमरी प्रोड्यूसर के तरीके वर्क करते हैं. जब हम इकोनॉमी आपको पढ़ा रहे थे, इकोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो क्या उसमें मैंने बताया था कि जो भी मतलब सेल्फ फूड बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला जाता है. ठीक है, यही बताया था ना. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के तरीके एल्गी जो है वो वर्क करते हैं. और काबर ग्रो होते हैं फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, वाटर में ग्रो होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमर्शियल प्रोडक्शन की. तो अगर इज अ प्रोड्यूस फ्रॉम जिलेडियम एंड ब्रसलेरिया यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज. जो अगर होता है, अगर क्या है, एक स्पीसीज है. ठीक है, तो अगर का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, अगर अगर क्या है, एक रेड एल्गी है. ठीक है, तो रेड एल्गी जिलेडियम एंड ब्रसलेरिया जो स्पीसीज है एल्गी की, उनका यूज किसमें होता है, उनका यूज होता है आइसक्रीम और जेली बनाने में होता है. फिर देखिए एल्गिन इज अ ब्राउन एल्गी एंड कोराजन इज अ रेड एल्गी. ये जो एल्गी होते हैं, एल्गिन जो होते हैं, एल्गिन का अगर, एल्गिन क्या है, एक स्पीसीज है किसकी, ब्राउन एल्गी की. ठीक है, और कोराजन भी स्पीसीज है किसकी, रेड एल्गी की. तो ये दोनों ही क्या है, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, मतलब ये सॉयल में जब पड़े रहेंगे तो इनके वाटर, ये मतलब वाटर को होल्ड करने में इनकी जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, इसलिए ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी की, जो कि हम बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एल्गी जो होती है वो थ्री टाइप की होती है. तो कौन कौन सी, क्लोरोफाइसी दैट मीन्स ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी दैट मीन्स ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी दैट मीन्स रेड एल्गी. ठीक है, अब इनको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी के बारे में बात कर लेते हैं. तो क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी होती है, इनमें इनके कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले क्या है, प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर होती है इनकी प्लांट बॉडी, और कोलोनियल और फिलामेंटस होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं, कोलोनियल फॉर्म में होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ए, बी प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड बी जो होता है वो क्लोरोफाइसी में होता है. ठीक है, फिर देखिए क्लोरोप्लास्ट में भी, अब इनके जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कई सारे शेप में होता है. कौन कौन सा, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड एंड स्पाइरल और रिबन शेप्ड. ठीक है, तो ये सारे शेप्ड के आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो इसमें होता है. ठीक है, स्टोरेज मटेरियल की बात करें तो पिरेनोइड, इन द सेंटर ऑफ पिरेनोइड, पिरेनोइड क्या है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये अपना फूड को स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, तो स्टार्च जो होता है उसी पिरेनोइड के अंदर रहता है. ठीक है, फिर देखिए लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, जो पिरेनोइड होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, कंटेन्स प्रोटीन, जो कि प्रोटीन का स्टोर करते हैं. ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन एल्गी हैविंग रिजिड सेल वॉल. जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें एक रिजिड सेल वॉल होती है, बहुत ही हार्ड. ठीक है, तो आउटर लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टोस से बनी होती है. जबकि इनर सेल वॉल की बात करें तो वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि जो क्लोरोफाइसी होते हैं उनकी आउटर लेयर किससे बनी होती है, तो क्या बताएंगे आप, पेप्टोस से. और जो इनर लेयर होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रोडक्शन की. तो रिप्रोडक्शन भी तीनों टाइप का होता है. वेजिटेटिव की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है. और एसेक्सुअल की बात करें तो हेल्प ऑफ फ्लैजिलेटेड, दैट मींस जो स्पोर के थ्रू होता है. और सेक्सुअल की बात करें तो हेल्प ऑफ आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस, तीनों के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल के बारे में बात कर ली थी कि कौन कौन से जो एल्गी हैं, कौन कौन से ग्रीन एल्गी हैं. ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं. तो क्लमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स एंड स्पाइरोगायरा कारा एंड यूलोथ्रिक्स जो है वो कैसे हैं, ग्रीन एल्गी है. ठीक है, यूलोथ्रिक्स के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, आइसोगैमस होता है, फिलामेंटस एल्गी है, मतलब कि जो इसका क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, फिलामेंटस. ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्लैजिलेटेड, जो भी इसके गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड भी होते हैं. ठीक है,
ओके तो ये कुछ पॉइंट हो गए यूलोथ्रिक्स के बारे में कि इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि फिलामेंटस एल्गी कौन सा है. ओके फिर देखिए फ्लैजलेटेड एल्गी मतलब जिसके गैमेट में फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा एल्गी है और फिलामेंटस भी है तो आप क्या बताएंगे यूलोथ्रिक्स. ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए यूलोथ्रिक्स के लिए. ठीक है नेक्स्ट हम बात करें फियोफाइसी जिसे हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं. इसके कुछ क्वालिटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो दे आर मेनली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट. जो भी ये ग्रीन ब्राउन एल्गी होती है वो कैसी होती है मैराइन मैराइन वाटर में रहती है. ठीक है ओके फिर देखिए नेक्स्ट देखिए दे आर ब्रांच. अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच जो ब्राउन एल्गी है वो किसका उसमें किसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कैल्स का. ठीक है कैल्स इज अ ब्राउन एल्गी. ओके तो ये ब्रांच भी होती है. ठीक है अगर हम फिलामेंटस ब्राउन एल्गी की बात करें तो वो किसका एग्जाम्पल हम रख सकते हैं एक्टोकार्पस. ठीक है तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्राउन एल्गी जो होता है फिलामेंटस तो आप क्या बताएंगे एक्टोकार्पस एंड अगर ब्रांच की बात करेंगे ब्राउन एल्गी की तो आप क्या बताएंगे कैल्स. ठीक है दे आर 100 मीटर हाइट. ओके इसकी जो हाइट होती है वो कैसी होती है 100 मीटर होती है. ठीक है नेक्स्ट देखिए दे हैव अ क्लोरोफिल ए एंड सी. इसमें जो क्लोरोफिल होता है ए और सी होता है. ठीक है नेक्स्ट देखिए कैरोटीनॉइड उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. ओके एंड ज़ाइंथोफिल जिसका ज़ाइंथिन भी बोलते हैं. ठीक है अब जो कैरोटीनॉइड होता है पिगमेंट जिसके कारण जो इस ये एल्गी है वो ब्राउन एल्गी क्यों कही जाती क्यों कही जाती क्यों क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है वो कैसा होता है ब्राउन कलर शो करता है. ठीक है ओके तो इसमें जो ब्राउन कलर आता है इस एल्गी में इसलिए वो किसके थ्रू आता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट के थ्रू. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इज अ मैनिटॉल एंड लैमिनारिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो कैसा होता है वो क्या होता है मैनिटॉल और लैमिनार में होता है. ठीक है फिर देखिए सेल वॉल आउटर जो उसके सेल वॉल होती है क्योंकि उसमें जिलेटिनस की कोटिंग होती है इसलिए क्या होता है उसे कोटिंग ऑफ एल्गी भी बोलते हैं. ठीक है ओके तो एल्गिन जो एक ब्राउन एल्गी है जिसे हम एल्गिन बोल रहे हैं तो वो क्या है इसमें कोटिंग होती है किस चीज की जिलेटिनस की. ठीक है जिसके कारण जो मतलब जो एल्गी होता है अगर वाटर में रह रहा होता है तो उसे कोई भी इफेक्ट नहीं होता वाटर का. ठीक है ओके फिर देखिए प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेट एंड बाय होल्ड फास्ट. इसमें क्या होता है मतलब जैसे ये मतलब जिस जगह से वो अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं होल्ड फास्ट. अटैच हुआ और वो प्लांट्स की जो मतलब जो एल्गी की सबसे नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या बोला गया होल्ड फास्ट. ठीक है जिसके थ्रू वो अटैच है. ठीक है स्टोन से. ओके फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज अ फोटोसिंथेसिस जिसे हम फ्रॉन्ड भी बोलते हैं. ठीक है तो इसमें कोई लीफ स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है लेकिन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं फ्रॉन्ड बोलते हैं. ठीक है क्या बोलते हैं फ्रंट. ओके तो जो जितने भी ब्राउन एल्गी होते हैं उनके जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लीफ के तरीके दिखते हैं बट उसे लीफ नहीं बोल सकते. ठीक है एल्गी की एल्गी अगर वो है तो उसे हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे फ्रंट बोलेंगे. ठीक है अब देखिए इसका स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं फ्रंट और जिस स्टेम से जो हम नॉर्मल प्लांट में जिसे हम स्टेम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एल्गी की लैंग्वेज में स्टाइप बोलते हैं. ठीक है ओके फिर जिससे वो अटैच होता है उसे क्या बोला जाता है होल्ड फास्ट. अभी मैंने बताया ठीक है कि ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से एल्गी का होता है. ठीक है नेक्स्ट देखिए रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं कौन कौन सा वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ठीक है वेजिटेटिव जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और एसेक्सुअल की बात करें तो उसमें बायफ्लैजेलेट जूस प्रोडक्ट मतलब कि 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे. ठीक है ओके फिर देखिए पेयर शेप विद द 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजला. इसमें जो होता है मतलब पेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए उनको मतलब जो फ्लैजला होता है जिसे हम बाइफ्लैजेलेटेड बोला है क्योंकि उसमें 2 फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं वो भी इक्वली नहीं होते. ठीक है अगर एक शॉर्ट होगा तो एक लॉन्ग होगा. ठीक है मतलब अनइक्वल फॉर्म में होगा. ठीक है फ्लैजला. नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो क्या होगा आइसोगैमस होगा एन आइसोगैमस एंड गैमस होता है. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिए यूनियन ऑफ गैमेट्स मे टेक प्लेस इन अ वाटर. जो भी गैमेट्स होते हैं वो जैसे मेल गैमेट है. ठीक है तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे जाएगा वाटर के थ्रू जाता है. ठीक है ओके वाटर में फ्लैजला के थ्रू किस में जाएगा फीमेल के पास पहुंच जाता है. ठीक है नेक्स्ट देखिए
Gamete is a piriform shaped, that means spear shaped and two laterally attached flagellates. में जो अभी मैंने बताया कि जो gamete होता है वो कैसा होता है, spear shaped होता है, okay? और उसमें flagella भी present होते हैं, ठीक है, okay? फिर एग्जाम्पल की बात करें कि अगर जो ब्राउन एल्गी होता है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक्टोकार्पस अभी मैंने बताया था, ठीक है, और क्या है, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एंडिक्टियोटा एंड सर्गसम, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जो कि ब्राउन एल्गी की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, अभी मैंने क्या किया, डिस्कस कर लिया क्लोरोफाइसी को, डिस्कस कर लिया फिर फियोफाइसी को जिसे हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे रोडोफाइसी को, ठीक है, जिसे हम रेड एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें देखिए कुछ पॉइंट, देखिए रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइको इरिथ्रिन इन देयर बॉडी, इसमें जो पिगमेंट होता है आर फाइको इरिथ्रिन होता है जिसके कारण उसमें रेड कलर आता है, ठीक है, ये जो पिगमेंट होता है आर फाइको इरिथ्रिन, इसी के प्रेजेंस के कारण उसमें जो ब्राउन है, जो रेड एल्गी है उसमें रेड कलर होता है, ठीक है, इसलिए हम उसे रेड एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, जितने भी मैराइन जो रेड एल्गी है वो मैराइन एरिया में रहते हैं, ठीक है, मोस्टली कहाँ रहते हैं, डीप सी में रहते हैं, ठीक है, रेड एल्गी जहाँ पर, मतलब रेड एल्गी जहाँ पर रहते हैं वो क्या है, डीप सी में रहते हैं, ठीक है, ओके, तो वहां पर प्रॉपर जो है लाइट नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो किसको यूज, ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरीन स्टॉर्च, इसमें जो फूड का स्टोरेज होता है वो कैसा होता है, फ्लोरिडीन होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लोरिडीन होता है, एमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन, उसमें जो फूड स्टॉर्च के फॉर्म में स्टोर रहता है उसे क्या बोलते हैं, वो एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के थ्रू स्टोर रहता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी थ्री टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव की बात करें तो वो फ्रेगमेंटेशन, जिसकी जिससे कि मेन बॉडी से वो जब मैच्योर हो जाएगा तो वो पार्ट रिमूव हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट एल्गी के फॉर्म में ग्रो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एसेक्सुअल की बात करें तो नॉन मोटाइल स्पोर्स, उसमें जो होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब कि फ्रेगमेंट जो फ्लैजला होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है, जब किसी गैमेट में फ्लैजला प्रेजेंट होगा तो ही वो मोटाइल होगा, ओके। अगर वो फ्लैजला नहीं प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉन मोटाइल, मतलब कि वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वन प्लेस से अनदर प्लेस में नहीं जा पाएगा, ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स, ओके। फिर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो नॉन मोटाइल गैमीट, किसी भी, अभी मैंने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल जो होता है उसमें गैमीट का यूज होता है मेल एंड फीमेल का, ठीक है, तो इसमें भी एसेक्सुअल की बात करें तो उसमें कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम गैमीट्स की बात करें तो वो भी नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि उसमें फ्लैजला एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होने के कारण उसमें जो गैमीट होते हैं या फिर स्पोर्स होते हैं वो सारे ही कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो होता है वो कैसा होता है, गैलरिया एंड दूसरा क्या है, जिलेडियम एंड नेक्स्ट क्या है, पॉलीसाइफोनिया एंड क्या है, पोरफायरा, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है रेड एल्गी के, ठीक है, कौन कौन से, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा एंड जिलेडियम ग्रेसलेरिया, ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके है, रेड एल्गी के, ठीक है, ठीक है, जिससे हम रोडोफाइसी भी बोलते हैं, ओके। अब हम इसका पूरा डिफरेंस समझ लेते हैं एक चार्ट में, जो कि आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें कि जो कुछ पॉइंट है वो डिवाइड किए गए, ठीक है, सबसे पहले क्या है, क्लासेस, नेक्स्ट क्या है, कॉमन नेम, ठीक है, जिसमें कि सभी लोग उसे जानते हैं, ठीक है, इसलिए उसे क्या बोला गया, कॉमन नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेजर पिगमेंट्स, फिर स्टोरेज फूड, फिर देखिए सेल वॉल एंड फ्लैजेला नंबर ऑफ पोजीशन एंड ऑफ इंसर्शन एंड नेक्स्ट क्या है, हैबिटेट, ठीक है, तो इसके फॉर्म में हम तीनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ओके। फिर देखिए तो क्लासेस की बात करें, सबसे पहले क्या है, क्लोरोफाइसी, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ग्रीन एल्गी, जिसे हम सब लोग जान सके, ठीक है, तो वो क्या है, कॉमन नेम, जिसे हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। मेजर पिगमेंट की बात करें तो वो क्या है, क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल क्या है, ए और बी, ठीक है, जो क्लोरोफाइसी होता है उसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है, ए और बी, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टोर्ड फूड क्या होता है,
स्टॉर्च, ठीक है, क्या होता है, स्टॉर्च होता है। नेक्स्ट हम सेल वॉल की बात करते हैं, उसका सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से, ठीक है, किससे बना होता है, सेलुलोज से। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्लैजला की, तो 2 से लेकर 8 वो भी इक्वल एंड अपाइकल फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर होते हैं, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में एंड सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फियोफाइसी की बात करते हैं, तो फियोफाइसी इज कॉल्ड, कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी, ठीक है। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन कौन सा, ए और सी, ठीक है। और उसके बाद पिगमेंट की बात करें तो फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजैंथिन। स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, मैनिटॉल एंड लैमिनारिन, ठीक है, मैनिटॉल एंड लैमिनारिन जो होता है फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। फिर देखिए सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज एंड एल्गिन से ये जो सेल वॉल होती है फियोफाइसी की, तो सेलुलोज प्लस एल्गिन से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्लैजला की बात करें तो 2 होते हैं और अनइक्वल होते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया वो इक्वल फॉर्म में नहीं होंगे, अगर 1 लॉन्ग है और तो दूसरा क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है, तो 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 प्रेजेंट होते हैं जिसे हम अनइक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, और फ्रेश वाटर में बहुत ही कम होते हैं, मतलब कि रेयर मिलते हैं। फिर देखिए ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में मेजोरिटी में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी, ठीक है। फिर अगर मेजर पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड डी, ठीक है, क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है। और अगर हम पिगमेंट की बात करें तो वो क्या होता है, फाइको इरिथ्रिन, ठीक है, क्या होता है, फाइको इरिथ्रिन जो पिगमेंट होता है वो, जिसके कारण उस एल्गी में रेड कलर आता है, जिसके कारण उसे रेड एल्गी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, फ्लोरिडिन एंड स्टॉर्च, ठीक है, क्या होता है, फ्लोरिडिन एंड स्टॉर्च। नेक्स्ट सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से सेल वॉल जो है वो बनी होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि सेलुलोज जो है वो कॉमन है तीनों में, ठीक है। फिर दूसरे में हमारा एक्स्ट्रा क्या आ गया, एल्गिन, एंड तीसरे में क्या हो गया, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। अब हम फ्लैजला की बात करें तो अभी हमने लास्ट में जब हम रोडोफाइसी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया कि वो नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, तो इस कारण हम ये बोल सकते हैं कि इसमें फ्लैजला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एब्सेंट, ठीक है। तो वही दिया गया है कि फ्लैजला इसमें जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब हम इसके हैबिटेट की बात करें तो वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर होते हैं, ओके, तो कुछ जो एल्गे होते हैं रोडोफाइसी जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मोस्टली मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये पूरा चार्ट जो है वो हमने डिस्कस किया क्लोरोफिल में, मतलब जो पिगमेंट या फिर क्लोरोफिल की बात करें तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लर्न करना है, ठीक है। अब कैसे लर्न करना है वो मैं बता देती हूँ कि देखिए दोनों में, तीनों में ही डिफरेंस है, ए जो है वो कॉमन है, तो ए आपने एबीसीडी तो पढ़ी होगी, तो इसमें क्या है, ए तो आपको सब में रखना है, ठीक है, फिर स्टार्ट करना है बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आपको तीनों के क्लोरोफिल इजी लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सी क्लोरोफाइल, कौन सी एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमारा क्या है, ब्रायोफाइट्स है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।